जय माता दी दोस्तों, जादुई टोटके में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सावन का महीना साल 2023 में कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, कौन से राज्य में किस तारीख को सावन का महीना शुरू होगा और समाप्त होगा, इसकी सही तारीख आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जादुई टोटके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का पाँचवा महीना होता है। ये महीना भगवान शिव शंकर जी को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, सावन के महीने का बहुत अधिक विशेष महत्व है। इस महीने में भगवान भोलेनाथ की यदि सच्चे मन से पूजा अर्चना की जाए तो भोलेनाथ भक्तों की मुराद अवश्य ही पूरी करते हैं और इस माह में किए गए सोमवार के व्रत का बहुत अधिक फल मिलता है। जिन लोगों के विवाह में परेशानियां आ रही हैं, उन्हें सावन के महीने में भगवान शंकर की विशेष पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा से विवाह संबंधी समस्त समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस माह में शिव की पूजा करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं कुंवारी लड़कियां सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके सुयोग वर की प्राप्ति कर सकती हैं और सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांग सकती हैं। दोस्तों, सावन के महीने में भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाकर सभी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें और शिवलिंग का गंगा जल से या शुद्ध जल से और दूध से अभिषेक करें। भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, बेलपत्र धतूरा आदि चढ़ाएं, आरती करें और भोग लगाएं। ध्यान रखें, भोग में सिर्फ सात्विक ही भोग लगाएं और इस माह में आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव जी का ध्यान करें और भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करें। इससे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि साल 2023 में सावन का महीना कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में सावन का महीना 4 जुलाई 2023 दिन मंगलवार को शुरू होगा और इस बार अधिक मास पड़ने के कारण सावन के दो महीने पड़ेंगे। इसीलिए सावन माह की समाप्ति 31 अगस्त 2023 दिन गुरुवार को होगी और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में सावन का महीना 18 जुलाई 2023 दिन मंगलवार को शुरू होगा और सावन माह की समाप्ति 15 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को हो जाएगी और नेपाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सावन के महीने की शुरुआत 16 जुलाई 2023 दिन रविवार को हो रही है और सावन माह की समाप्ति 16 अगस्त 2023 दिन बुधवार को हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी या जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।